हम है तो खोफांग के अंदर उंगली के बराबर मेरे। ये मेन एरिया है खोफांग का और ज्यादातर जो फ्रूट है ना हमारे इंडिया में बिकता ही नहीं है। गाड़ियां रुकवा दी है, स्कूल है थाईलैंड का। तो भाई बाइक हमने ले ली है, तो यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है। ये जा रहे हैं अंदर अंदर पैदल पैदल ही जा रहे हैं यार। फॉरनर जो है ना बिल्कुल ही नंगे घूम रहे हैं यार, क्या ही नजारों का मजा ले सकते हो। मतलब फॉरनर वैसे उतरी तो आते ही आते हैं। दिखाना दिखाना क्या है भाई, पता नहीं क्या ही लेके आई है ढूंढ डांड के यार। पासपोर्ट तो मेरा देने का बिल्कुल हक में नहीं हूँ। यू वांट चलो गाइस गुड मॉर्निंग, एक और अपना दिन और हम है तो खोफांग के अंदर। भाई थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे, मेरा उधर देखता क्यों मैं आपको बताता हूँ। भाई ये ना जंगल एरिया आइलैंड एरिया, मुझे याद है लास्ट टाइम हम कोसुमुई गए थे वहाँ भी ये हाल था मेरा। भाई रात को यहाँ इतनी सारी छिपकलियाँ थी और यहाँ की एक सबसे फेमस और बड़ी छिपकली होती है वो यहाँ थी भाई। अभी नहीं है मतलब मुझे डर ही लग रहा था। और यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन होते हैं ना जो मतलब अच्छे खासे लंबे होते हैं, 5-6 फीट तक होते हैं, उसके छोटे वर्जन भी 3-3 फीट वाले होते हैं, वो यार ज़मीन पे होते हैं यार, थोड़ा डर ही लगता है। तो हम निकल रहे हैं, डरते डरते निकल रहा हूँ, चप्पल पहनी है मैंने, शायद बीचेज है ना, बीचेज घूमेंगे तो ये अपना हॉस्टल था। ज़रूरी काम तो भूल ही गए यार, लाइसेंस लेना भूल गया इंटरनेशनल यार। अरे यार बाइक रेंट करनी है तो भैया ऐसा बुकलेट सा लाइसेंस होता है, ये 1 साल का ही वैलिड होता है, वैसे 2 और 3 साल का ही बनता है। कैसे बनता है भाई, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहाँ दिन रात ही म्यूजिक चलता रहता भाई, ये पार्टी सच्ची बताऊँ यंगस्टर जो पागल है ना पार्टी के लिए, ये उनके लिए आइलैंड है भाई। ये देखो पूल है अपने यहाँ का, पूल पार्टी भी होती होगी शायद, पर सही है यार बैठने बैठने का सही साता है इंजॉय करने का। फिलहाल अभी तो पार्टी नहीं हो रही, यहाँ गेम्स चलती रहती, म्यूजिक भी चलता रहता है। और काफ़ी अच्छा हॉस्टल अपना, ये देखो काफ़ी अच्छा एरिया यार। मुझे जो आसपास जो फेमस जगह है वो घूमनी है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। एक तो स्कूटी का ऑप्शन है, बाइक रेंट, कार रेंट, और टुक टुक भी चलती है, टैक्सी भी चलती है। आइलैंड तो बहुत ही प्यारा है पर ये उनके लिए जो पार्टी लवर है। तो भैया मेरे ना बेड का प्लग काम नहीं कर रहा था, तो मैं एक बार यार इनको बोल दूँ यार चार्जिंग के लिए इशू हो रहा है, तो मैं किसी और का बेड यूज़ कर रहा हूँ। तो भी एक साथ में एक स्टाफ का बंदा जा रहा है देखने। इट्स ओपन, नेक्स्ट वन, टॉप वन, माय प्लग, जस्ट मोमेंट। भाई सॉल्व क्या कर रहा था, एक बेड और खाली था पर कह रहे उसमें शिफ्ट हो जाओ, पर मैं उसमें होना नहीं जा रहा एक्चुअली ना, वो ना दरवाजे के पास है और वहाँ पे बहुत सारी छिपकली है भाई, मेरे को टेंशन रहती है रात को पता चला मेरे मुंह पे आके बैठी हो। ओके कैरी ऑन, थैंक यू। वो देखो सामने ना समुंदर है, लोग दोपहर को जॉगिंग कर रहे हैं भैया। मेरे साथ मसला हो गया, मैं खराटे लेता हूँ और रात को जब सो रहा था ना, जैसे खराटे ले रहा था ना, मेरा नीचे वाला बेड वाला भैया मुझे हिला देता था, मतलब बोल तो कोई नहीं पा रहा था पर हिला देता था, मतलब सोने नहीं दे रहा था यार खराटे। अब ये किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं यार, बस मत पूछो, सो नहीं पाया ढंग से। फिर जब सुबह सभी उठ गए तो एक्स्ट्रा सोया हूँ, तो अभी निकला हूँ यार। तो अभी देखते हैं बाइक रेंट का क्या मसला है, कितने की और क्या है। ये मेन एरिया है खोफांग का, जगह जगह आपको एक्सचेंज शॉप मिल जाएगी। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सस्ते में सामान मिल जाता है। रात को पानी बोतल यहीं से लेके आया था, दुनिया भर की मतलब दुनिया भर की हरे पत्ती की दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ लोकल टुक टुक भी चलते हैं कुछ इस तरह के, जो कि इधर से उधर लेके जाते हैं। यहाँ पे जो मेन पार्टी प्लेसेस है ना वो थोड़ा आगे पीछे है, मतलब वैसे तो पूरे आइलैंड पे ही आपको पार्टी प्लेसेस हैं पर जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो थोड़ा आगे पीछे है। ये देखो यहाँ मार्केट लगी हुई है, सही है यार, यहाँ फिश मिल रही है और यहाँ चिकन मिल रहा है और प्राइसिंग ठीक है यार इनके, इतना बड़ा पीस है 30 बाट का दे रहे हैं, चिकन ही है भाई। ये देखो यहाँ भी खाने को लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है पूरा यार। ये पंखा इनका बहुत बढ़िया लगता है मुझे, देख रहे हो, मतलब मक्खी है ना बैठे तो ऊपर पंखा चला देते हैं। मूंगफलियाँ बेच रहे हैं भाई, खाने पीने का स्टॉल्स हैं सारे, 10-10 बाट का यार। देखो एक चीज़ बताऊंगा, वैसे आप कहो बुरा है पर बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं, नो डाउट बहुत ही साफ़ सफाई से बनाते हैं। देखो कितना बढ़िया, 15 बाट का दे रहे हैं एक डोनट, यही अगर आप अंदर बाहर कहीं होगे ना तो और महंगा यार, देख रहे हो, खाने का ही है पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार लगा हुआ है। तो ये क्या है, तो यही मुर्गा ही, यहाँ पे मुर्गे की टांगे वो भी खाते हैं। ये देखो ये क्या निकाल रहे हैं, अच्छा ये यहाँ का फ्रूट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मतलब पूरी खाने की मार्केट अभी लग रही है। देखो आइसक्रीम बनाई जा रही है अभी तो,
अंडे वंडे ये वो, अभी देखते हैं यार कुछ खाने का मुझे भी लेना है। ये छोटे छोटे वो हैं, क्या कहते हैं वो होते हैं ना ऑक्टोपस, ये देखो फ्राई कर कर के रखे हुए हैं यार। सब्जियां भी बिक रही हैं भाई, कमाल हो गया। दादियां सब्जी भी बेच रही हैं, सही है। सब्जियां भी अजीबो गरीब है भाई। ये कौन सी सब्जी है भाई, कांटे लगे हुए पूरे और हाथ लगाने में बुरी सी लग रही है यार। ये तो खीरे हैं, टिंडे, पता नहीं क्या क्या है। ये देखो सुंडिये, सुंडिये पैकेट में। ये मुर्गा है, वो खीरे हैं, खीरे भी यहाँ ना इतने इतने होते हैं छोटे छोटे, है ना, खीरो का साइज उंगली के बराबर मेरे, इतना सी खीरे हैं। और ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, जो हमारे यहाँ बड़ा होता है वो यहाँ छोटा, या हमारे यहाँ छोटा होता है वो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा है। ये मेरे ख्याल से ककड़ी, कमल ककड़ी कुछ ऐसा कुछ होगा, बड़ी बड़ी सी है। ये देखो पत्ते, सही बता रहे यार। मुझे मतलब ऐसी चीज़ें देखने मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता ये बताना यार। अभी देखता हूँ मैंने जाना कहाँ है और खाना क्या है वो भी देखते हैं। ये प्रॉन्स, ये यहाँ पे ना वो इनके पाइनएप्पल भी छोटे छोटे होते हैं। ये देखो पूरा पूरा पाइनएप्पल है, 60 बाट के ये पूरा पैकेट है। इसी को खा के मेरा गला ख़राब हुआ था। फिलहाल तो धूप उतनी नहीं लग रही और मेरे को एक बाइक राइड पता करनी है, बाइक राइड मिल जाए सही रेट पर। कल पता करी थी, मांग रहे थे 250 बाट, 200 बाट तक मिल जाए तो चलेगा काम। यहाँ के अलग अलग बीचेज हैं फेमस और बहुत सारी पार्टी वाली प्लेसेज हैं, यहाँ पे पार्टीज होती हैं। OXL और हारमनी बीच और पता नहीं कौन कौन से खतरनाक बीच हैं, और वहाँ पे क्या ही ज़बरदस्त प्रोग्राम चलता है यार, पूछो मत। ये तो मैंने खाई हैं, ये बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पे छली हैं, ये क्या बना रहे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ के लोग बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब हर चीज़ में बर्फ़ डाल डाल के पीते हैं। और ये फ्रूट यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाते हैं, यहाँ क्या मलेशिया में या और जगहों पे एशियन कंट्रीज़ में खाते हैं, हमारे इंडिया में नहीं खाते यार। और ये करेंसी एक्सचेंज की शॉप भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, डॉलर का रेट यहाँ कम है। यही प्रॉब्लम होती है हम ट्रैवलरों की, कुछ अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो वहीं रुक जाते हैं। ये देखो फ्रूट्स, इतनी वैरायटी फ्रूट। हाँ, चाहे लड़की ने मुझे ये खिलाया था, मुझे लगा था पता नहीं क्या ही लेके जा रही है, ये फ्रूट खिलाया था। और ज़्यादातर जो फ्रूट है ना हमारे इंडिया में बिकता ही नहीं है, सिवाय आम, सेब और वो सीताफल, और इसके अलावा भाई नए नए फ्रूट दिख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से भाई, कमेंट करके बताना। ये भी एक फ्रूट है जो टमाटर की तरह है, ये भी एक फ्रूट है, ये ड्रैगन है, ये कौन सा फ्रूट है मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं है। ये भी नया फ्रूट है, ये भी नया फ्रूट है भाई। वो लीची होती है पर इनके वाली लीची होती है, बाकी दो तीन चीज़ें कॉमन है। और यहाँ लगी हुई है सेल, पुराने कपड़ों की है, टी शर्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं 50-50 बाट की, यूज्ड है। मार्केट भी लगनी शुरू हुई है, शायद शाम तक लगेगी। एक्जैक्टली मेरा जो हॉस्टल है वो है खोफांग, जो एरिया है ना, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर आया था मैं। तो अभी हम देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। एक जगह है OXA करके, एक बीच है, मतलब वो क्लब है, वो बीच क्लब उसके नाम से मशहूर है। तो ऐसा टुक टुक चलते हैं, स्कूटी बाइक रेंट लेते हैं, 200 बाट में मिल जाएगी तो 24 घंटे के लिए होगी, यानी आज से अगले दिन मुझे सेम टाइम तक रखनी है। और कल वैसे भी हमें जाना भैया फुल मून पार्टी के लिए शाम को, और आज जितना घूम सकेंगे उस पर घूमेंगे। तो गाइस मैं ना कल रात को यहीं खाने के लिए आया था, तो एक लेडी से बात कर रहा था, पूछ रहा था कुछ, उसने बातों बातों में मुझे पुच्छी कर दी थी। सबने स्कूटियाँ ले रखी हैं, ये भाई साहब तो बढ़िया सी बाइक लेके आए हुए हैं। देखो आइलैंड तो बहुत ही प्यारा, मज़ेदार है और अच्छा भी लग रहा है घूमने में। मसाज पार्लर वार्लर तो यार कॉमन सी चीज़ है, बेसिकली यहाँ पे ना हरी पत्ती का जो यूज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। पार्टी लवर हो, कुछ बवाल करना चाहते हो तो भैया आ जाओ खोफांग और आराम से रहो। वैसे जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ रीज़नेबल है, पता नहीं कैसे मिल गया, वरना मैं और हॉस्टल सर्च कर रहा था, कोई भी हॉस्टल 1200-1500 से कम मिल नहीं रहा था भाई, फुल मून की वजह से ये चांस की बात मिला और मैंने फटाफट बुक कर लिया था। अरे डॉगी भैया क्या हुआ आपकी आंख को। और यहाँ बाइक रेंट की है, देखते हैं कितने की बाइक रेंट देने वाले हैं। हाउ मच द बाइक रेंट? 200 बाट। माय फ्रेंड टेल मी 150 बाट। 2-3 डे, 4 डे, 5 डे, 150। अच्छा 2-3 दिन के लिए कह रहे हैं 150। बाकी ये स्कूटी है 150 इज गुड प्राइस ब्रो। आई हैव पासपोर्ट बट आई गिव यू सम डिपॉजिट। 5000 बाट। आई गिव यू $100 डिपॉजिट। हेलो हाय, स्वादिकाप स्वादिकाप स्वादिकाप। तो भैया मैं क्या करेंसी एक्सचेंज करा के देने बेटर है, क्योंकि करेंसी मेरे पास है पर वो दे दूंगा ना तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्योरिटी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पासपोर्ट रखवा दो या करेंसी रखवा दो, पर ये मांग रहा है 5000 बाट, वो ज़्यादा मांग रहा है, 3000 बाट का वैसे रूल है। कभी $100 रख ले, तो मेरे पास है पैसे पर वो रख दूंगा तो मुझे फिर खर्चने के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मुझे एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। तो इससे बेटर भैया फिर एक्सचेंज करा लूँगा तो फिर मेरा पैसे टूट जाएंगे, पता नहीं आगे यूज़ होगा या नहीं होगा, होगा तो जब तब का तब देखेंगे, कहने मतलब समझ रहे ना। तो ये वाली बाइक मिल रही है, ठीक है यार, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 बाट में मिल जाए तो वेल एंड गुड है। मसला अटक रहा है यार सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी ज़्यादा मांग रहे हैं यार, $200, मतलब ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, सिक्योरिटी पे बात नहीं मानी।
तो चलो भाई टाइम और कोटी करना पड़ेगा, क्या करूँ, सिक्योरिटी ज्यादा हो गई भाई। यहाँ मेरा कस्टमाइज करने पे गाड़ियों पे कोई वो नहीं है, फाइन नहीं है। हाउ मच द बाइक रेंट? 350 बाट। थैंक यू भाई, वहीं जाना पड़ेगा, 150 बाट में माना, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी भाई। यहाँ का मौसम है तो धूप पर चुपने वाला नहीं है, हवा मस्त चल रही है ना, हवा की वजह से सब सही लग रहा है यार। अरे फॉरनर ही फॉरनर नजर आ रहे हैं, स्कूटियां बाइकें चलाते हुए यार डर सा लगता है ना। पासपोर्ट तो भैया हमारी पहचान है, आईडी है, पासपोर्ट तो मेरा देने का बिल्कुल हक में नहीं हूँ। वॉक करते करते काफी आगे आ गए यार, और जो आपका फुल मून पार्टी होती है ना वो भी इसी साइड आगे की तरफ होती है भाई साहब, जंगल ही जंगल है। ये तो स्कूलों से आ रहे हैं बच्चे, हाँ स्कूल ही है, स्कूल तो छुट्टी हुई है इनका, सही है। थैले में कपड़े भी टांग लिए, जूते भी टांग लिए, सब कुछ ऊपर ही टांग लिया है और चल पड़े। गाड़ियाँ रुकवा दी है, स्कूल है थाईलैंड का। कार शॉप में आया हूँ, यहाँ तो हेलमेट दुकानें पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा भाई का, सामान ही सामान है। हाउ मच? 1 day 200 baht, 2 day 400 baht। डिस्काउंट? नो डिस्काउंट नहीं। एंड व्हाट अबाउट द डिपॉजिट? 5000 baht। 5000 baht, आई गिव यू 100 USD एंड 1000 baht, ओके भाई। मैं इसको $100 के लिए कह रहा हूँ और साथ में 2000 बाट करो, तू भी नहीं मान रहा भाई। भाई ये तो साफ कह रहा है, एक्सीडेंट करके लाओगे तो मैं कुछ नहीं दूंगा वापसी। एक्सीडेंट तो वैसे हम नहीं करते, पर चांस की बात है कुछ 19-20 हो जाए, 12-13 हज़ार पे गए ये। यहाँ मान लो मेरी स्कूटी मिल भी गई, चल को वापसी करने आऊँगा तो फिर मुझे इतना ही पैदल चल के जाना पड़ेगा भाई। मैं लिफ्ट मांग के वापसी आ गया तो आसपास कहीं से स्कूटी लेते हैं। शाम होते होते मैं लोग निकलने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, हरे पत्ती वाले ये जो है ना बहुत सारे हैं भाई, ये देखो ये बहुत सारे हैं। या फाइनली हमने ये स्कूटी ले ली है, ये है, मैं कहा रिकॉर्डिंग रोडिंग कर लें यार, कोई 19-20 हो तो पता चल जाए, बस चलते चलते ठीक, तो स्क्रैचेज जो आ रखे हैं थोड़े दिख रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। मेरी बात हुई है $100, 2000 baht, लगभग 5000 baht होगी सिक्योरिटी, या पासपोर्ट दे दो, और 150 baht में मेरी बात हुई है 2 दिन के लिए, तो ये चीज़ अच्छी है। और मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक आगे चले गया था ना, तो मैं वापसी इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं कहा जहाँ देनी है वहीं से लूँ, क्योंकि वापसी भी तो करनी है। और मैंने टैक्सी वाले से पूछा, टैक्सी वाला कह रहा भैया 500 baht, मतलब इतने से सफर के 500 baht मांग लिए, समझ रहे हो ना। तो ये फॉर्मेलिटी पेपर वेपर पूरे करवा के स्कूटी लेते और निकलते अपने घूमने चले। योर नेम? डुल्लो। यू आर फ्रॉम थाईलैंड? नो, म्यांमार। तभी म्यांमार के लोग बहुत अच्छे हैं। यू नो हिंदी? भाई ये हो गया अपना कैश जमा, $100, 2000 baht, ओके। ये ऐसे पैसे लगा संभाल के रख देते हैं उसके बाद। बाइक इज ओके? देयर इज एनी ट्रैफिक पुलिस आल्सो? नो ट्रैफिक पुलिस। आइलैंड पे मैं कोसुमु गया था, वहां तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखी थी मेरे से। भाई अब कैसे खुलती है कैसे हिलती है देखते हैं। ओके हेलमेट ही नहीं आ रहा इसके अंदर यार। तो फाइनली अपनी सवारी तैयार हो गई है निकलने के लिए। अरे वाह। तो भाई बाइक हमने ले ली है, हम चल रहे पहले पेट्रोल डलवाने। सही है, मैंने लड़की वाली ली है पर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। चलिए जी भाई 60 बाट का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, 40 बाट है लीटर यहाँ पे। और ये रही अपनी राम प्यारी लड़कियों वाली, ठीक है भैया। भैया अपने हॉस्टल की तरफ आ गया हूँ, कैमरा एक बार ले लूँ। यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है, सब बैठे चिल कर रहे हैं, पूल में इंजॉय हो रहा है भाई। सही है यार, चिल माहौल है यहाँ पे, यहाँ ताश पत्ते चल रहे हैं यार। इसको कहते मूर्खता, पूछो क्या मूर्खता। कैमरा लेने आया हूँ, कैमरा मेरे बैग में पड़ा हुआ है भाई, सब पागल हूँ मैं भी। चलो इसी बहाने आ गया हूँ, माहौल देख लिया यहाँ पे हॉस्टल का क्या है, लोग कूद गए एंजॉय करने, जाना मुझे भी चाहिए पर क्या ही कहूँ। सही है यार। हाउ डीप दिस? 16 meter, ओके। ये अपना हॉस्टल है, तो बेवकूफ़ी तो भैया होती है। अब फटाफट निकलते हैं, हेलमेट कोई पहन के चला तो नहीं रहा यहाँ पे, पर फिर भी पहन लेते यार। मैं तो देख के आगे की तरफ आया था, मैं पूरा बीच बीच है आइलैंड पे, और यहाँ लोग खेल रहे हैं, स्की कर रहे हैं, ये बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, लोग अंदर गए हुए हैं यार। अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो जब आपका स्कूटी होती है, वरना तो पैदल घूमना परेशान हो गया था मैं यार। और ये देखो नज़ारे यार, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ भी है सामने यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। लोग वो स्की कर रहे हैं ना, वो जो कितने ही लोग लगे हुए हैं यार, ऐसा लग रहा है पतंगे उड़ रही है, और लोग कुछ यहाँ पे कर रहे हैं कुछ। व्हाट आर यू डूइंग? कुछ ढूंढ रहे हैं भाई। व्हाट इज दिस? शेल। शेल्स भाई, शेल्स ढूंढ रहे हैं और फिर उसका शायद सेल वेल करेंगे। योर नेम? बियर। बियर और वोडका। वोडका सही है।
इंडिया इंडिया दिल्ली इन इंडिया व्हाट यू से पे पे नॉन इन इंडिया व्हाट इज मीन पिक फनी ओ भाई इंडिया वालों करे फनी होते हैं पिक फनी इंडियन फूड इट्स अ वेरी गुड स्पाइसी You never try Indian food. भाई जा रहे हैं तो नहाने It's not very much deep. भाई ज्यादा दूर तक मतलब जमीन ही दिख रही है मुझे तो यहाँ पे और ये एग्जैक्टली पता क्या पूरे आइलैंड के आसपास इसी तरह से ही है यूट्यूबर ट्रैवलर जैसे यस ओह थैंक यू मतलब हसमुख लोग हैं यहाँ के और ये जा रहे हैं अंदर अंदर पैदल पैदल ही जा रहे हैं यार बहुत सारे यहाँ पार्टी स्पेसेस हैं बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग पॉइंट बने हुए अलग अलग बीचेस हैं और यहाँ जैसे कोसोमुई है जैसे खोपांग है आगे जाके एक और आइलैंड लगता है भाई वहाँ पे स्पेशली पार्टीज होती है भाई बहुत ही प्यारा आइलैंड है वो बड़ा अच्छा लग रहा है स्की सी हो रही है ना जो बहुत ही प्यारी लग रही है यार चलो जी मैं सोच रहा था इसके नीचे हम भी झूला ले लें पर ये सो रही है मैडम सही है ओ बाकी लोग तो बिल्कुल नंगे फॉरनर जो है ना बिल्कुल ही नंगे घूम रहे हैं यार चलो और जगह देखते हैं घूम के आते हैं मैं कहा ये कैमरा तो निकाला जाए कुछ तो इस्तेमाल किया जाए इसका अभी अब चल रहे हैं बाहर की तरफ जब सोशल के पास ही गया था ज़्यादा दूर नहीं गया था ये अपना होटल है ये वाला भाई मस्त है यहाँ पे क्राउड फूड हेलो और अपने हॉस्टल के बाहर ही मार्केट है ये मार्केट है यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं इस तरफ जो पोर्ट का एरिया है और इस साइड भी बीच का एरिया है जगह तो अच्छी है मॉल मार्केट भी काफ़ी सारी है और फिलहाल मैं ही हूँ एक जो हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ बाकी सारे विदाउट हेलमेट है फ्रेंच बेकरी पोर्ट के पास पहुँच गया हूँ यहाँ भी ना मतलब बीचेस तो सारी जगह फॉरनर्स ही फॉरनर जगह जगह बैठे हुए हैं आप देखोगे ना आपको और ये पीछे ही इसका पोर्ट का एरिया है वो पीछे की तरफ ये गेट बना रखा है यहाँ पे फेरी स्टेशन है और यहीं से मैं गया था और इस साइड अलग अलग बीचेस हैं अलग अलग जगह पूरा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत सा है अंदर अंदर पहाड़ है किनारों किनारों पे बीच है ये बात अच्छी है यहाँ पास है अदरवाइज हम वहाँ थे ना कोसुमुई में वो अराउंड 17-18 किलोमीटर दूर था और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई थी जैसे ये है ना फेरी स्टेशन बाहर निकलते हमें बाइक राइड पर मिल गई थी तो बीच से इधर ना पूरी मार्केट है यहाँ पे और अंदर दुनिया भर की बाइक रेंट की दुकानें हैं भाई बहुत प्यारा सा आइलैंड है और बाइक रेंट इतना है इतना है इतना है इवन कार रेंट भी होता है यहाँ पे बहुत है बहुत और अंदर अंदर ये कुछ कुछ फील गोवा वाली है पर यहाँ पे भाई इंडियन तो है ही नहीं भाई इंडियन है ही नहीं कोई समझ रहे हो ना वो बीच है सारा समुंदर है यार सो गाइस नेचर यार मैं समझ गया फॉरनर यहाँ क्यों आते हैं मतलब फॉरनर वैसे उसलिए तो आते ही आते हैं पर जो नेचर है यहाँ पे क्या ही खूबसूरती है आप देखो यार मतलब अगर आप न्यूली मैरिड हो लवर है और या न्यूली मैरिड हो भाई ये उनके लिए दी बेस्ट है बच्चों के साथ तो नहीं मैं कहूँगा ऐसे प्यारे प्यारे हट मतलब ऐसे ऐसे कॉटेज मिल जाएंगे यहाँ पे आपको रहने के लिए पूछो मत यार ये देखो ये पार्टी पुटी ये क्या पता नहीं भाई पार्टी लवर वालों के लिए तो जन्नत है तो भैया मैंने जो गूगल पे डाला था ना पता नहीं ये कौन सी जगह आ गए हैं समुंदर के पास ऐसा कुछ है ये घर बने हुए पुराने पुराने से लोकल लोगों के और भाई बता रही यार जो भी कह लो अच्छा ही लग रहा है ये पुरानी पुरानी लकड़ी की बोटें मिली हुई हैं ये फिशिंग करने की बहुत ही प्यारा लग रहा है यार बहुत ही खूबसूरत क्या कहना है आपका यार मतलब नेचुरल ब्यूटी तो यार दबा के है भाई दबा के देखते हैं यार कहाँ जा रही है रोड रोड क्या है ये कच्ची सी सड़क पगडंडी सी तो भाई मैंने डाला था जोधा बार की जगह मेरे से बार बार की जगह कोई पीछे रह गई होगी उसके बाद मेरे को दिखा भी है कि आगे बीच है बड़ा खूबसूरत सा और कच्ची पक्की सड़कें हैं ऐसे बोट्स लगी हुई हैं पोर्ट लगे हुए हैं तो बस मैं आ गया यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है यार वो फिशिंग कर रहा है भाई और ये भैया अपनी आशिकी कर रहे हैं सही है यार जोधा बार शायद कुछ ऐसे ही है वो भी कुछ कर रहे हैं भाई फिशिंग ही करने आए हुए हैं लोग जगह बड़ी प्यारी है ब्रदर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस हिंगकॉम भाई इस जगह का को हिंगकॉम कहते हैं यू आर फ्रॉम टर्की यस इट्स वेरी ब्यूटीफुल भाई टर्की से है भाई और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं सनसेट का मजा लो और यहाँ पे चिल करो लोग जैसे ये बैठे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत सा मतलब ऐसा लग रहा है साला बादल आए हुए हैं पर बहुत ही प्यारा लग रहा है सच्ची में बहुत ही खूबसूरत क्या हाल है भैया जी कैसे हो गुड ब्रो ये देखो मछली पकड़ने का जुगाड़ कर और ये अजीब सी शेल्स हैं नीचे पता नहीं ऐसा लग रहा है साला हड्डियाँ पड़ी हैं
क्या है, बना हुआ क्या है, समझ नहीं आया। वैसे अगर आप यहाँ व्हीकल ले लेते हो भाई साहब, क्या ही नज़ारों का मजा ले सकते हो, क्या ही फीलिंग ले सकते हो। सच्ची में जन्नत है, जन्नत बहुत ही खूबसूरत है। बारिश आने वाली है, भयंकर बादल इधर ही आ रहे हैं यार। बच्चों को लेके कहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, और इनको शायद फोटो शूट करना है, वीडियो बनानी है, शायद नहीं हो पा रहा। यू नीड हेल्प, हाउ टू कनेक्ट, यू वॉन्ट स्टार्ट ना? आई कैन स्टार्ट, यस आई एम यूट्यूबर, यस ओके। ये फोटो खींचने में इनकी मशीनरी सी जो थी वो गड़बड़ हो रही थी, मैं अगर देखा है रशिया से थे, फैमिली के साथ आए हुए और जहाँ बैठे हुए हैं ना वो बड़ा रिस्की सा मामला है। चलो भाई निकले यार, इससे पहले बारिश आ जाए और कोई जगह देखते हैं, कवर करते हैं। तो भाई ये भाई था अपने साथ हॉस्टल में, बांग्लादेश से इंग्लैंड जाता है, और भाई ने रेंट कर रखी है गाड़ी। यू पे फॉर 1000 baht ना, 1000 baht, 10,000 सिक्योरिटी, और नहीं पासपोर्ट, पासपोर्ट। भाई ये है भिंग कॉन्ग बीच, भाई लड़के ही हैं यहाँ पे चिल विल कर रहे हैं। भाई नज़र आ गया मुझे, पर प्यारा बीच है यार, काफ़ी खूबसूरत है और ज़्यादा डीप नहीं है यार, लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और वो लगे हुए नहा रहे हैं लोग यार, ये इंजॉय कर रहा है भाई सही। हम आ गए नीचे, ये देखो लड़कियों की तरह झूल झाल झूल कर रहा है, वहाँ भी कुछ बैठे हुए लोग, सही है यार। और ये लड़कियाँ पता नहीं डूब नहीं रही, इट्स नॉट सो मच डीप ना, वेरी डीप, इट्स वेरी डीप, यस ज़्यादा गहरा नहीं है, पर जहाँ गहरा हुआ ना भाई कोई बचाने में नहीं आएगा, अपनी किस्मत ऐसे खराब है साला, कुछ भी हो सकता है। वहाँ बस ये ऐसे ही बैठे झाड़ियाँ वाड़ियाँ से, यहाँ भी झाड़ियों में फॉरनर बैठे हुए गले लग के, सही है यार। भाई देखो लोगों के गंदगी करने के काम बहुत बुरे हैं यार, ये देखो ये फेंक रखी बीयर्स। वैसे यार बीच नहीं है, इससे अच्छा बीच मेरे हम हॉस्टल है ना उसके पास ही था यार। अंदर अंदर घुसे हुए लोग यार, देखो कुत्ते भी लेके घुसे हुए हैं, और ये भी देखो अंदर कैसे घुस गए यार, ये तो समझ से बाहर है। क्या ढूंढ के ला रही है टोकरी में, देखना पड़ेगा, वेट करते हैं। व्हाट यू सर्चिंग इन योर बकेट, दिखाना दिखाना क्या है भाई, पता नहीं क्या ही लेके आई है ढूंढ डांड के यार, पानी के अंदर से क्रैब्स लेके आई है। यू ईट फॉर व्हाट, ओ जस्ट एंजॉय भाई, शेल्स वगैरह और वो छोटे छोटे क्रैब्स ढूंढ के लाई है, सही है। मैं भी तो झूला ले लूंगा यार, थोड़ा सा यहाँ से बैठ के नज़ारे लेते रहो और देखते रहो, एंजॉय करो व्यू को। मैं कहा थोड़ा झूले हम भी ले लें, मज़े ले लें यहाँ पे। सामने क्लब सा बना हुआ है, बैठो एंजॉय करो, सही है यार, बढ़िया है यार इस आता है यहाँ पे। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। तो मुझे एक जगह और दिखी, मैं कहा रुक के देखता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो प्राइवेट लिखा हुआ है, इस तरह से चिल करने का माहौल आपको यहाँ पे, कैफे खाने पीने के लिए, सही है यार। यहाँ लॉन्ड्री शॉप है, यहाँ से समुंदर का नज़ारा लेते हुए लोग यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं यार, ये भी बढ़िया है यार, देख रहे हो हल्का सा बीच है यहाँ पे, रेत वेत है। ये छोटा सा गार्डन एरिया बना रखा है इन्होंने, वो सारे कॉटेज बना रखे हैं, ये अपना एंजॉय करो। ये देखो ये नए स्टाइल का कुछ इस तरह से बैठो एंजॉय करो, कैफे रेस्टोरेंट, शाम को ऐसे माहौल हो जाता है यहाँ पे। वहाँ से निकल के ना यहाँ आ गया फेरी स्टेशन की तरफ। यू वॉन्ट हाय, अच्छा योर बाइक, ओके। मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं आया हूँ तो एकदम से आ गई है, ये पूरी खोफाम की मार्केट है। पासपोर्ट प्लीज टेक केयर ऑफ पासपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे वो दिख रहे हैं शॉप्स यहाँ पे। मार्केट नेम पंखित पंथिप, पंथिप मार्केट। ऐसा GoPro 13 लॉन्च हो चुका है, और अपने पास GoPro 10 है, वो भी मैं सोच रहा हूँ सोल्ड आउट कर दूँ अपना GoPro 10 यार। देखते हैं किसी ने लेना हो तो मुझे DM करना है Instagram पे। उसके साथ मेरा ट्राईपोड, बैटरी, इवन मीडिया मोड वगैरह सब कुछ है भाई। तो भाई यहाँ पे तो पूरी फूड मार्केट लगी हुई है, खोफाम की फूड मार्केट लगी हुई है भाई। और ये देखो यार ये चीज़ बढ़िया है, ठंडे बर्फ़ में ऐसे लटकाते रहते हैं और ठंडा होता रहता है यार। फॉरन जितने मर्जी वो हों, सस्ता ही बचाते हैं पैसे। पहले इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो ज़िंदगी छोटी सी, दुनिया बहुत बड़ी है, तो भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, जहाँ खोफाम में फुल मून पार्टी के लिए हम यहाँ आए हैं। बस बने रहिएगा, मज़ा आएगा अगली वीडियो के लिए, तैयार रहिएगा। I feel like I'm losing my mind.